हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आयशर मोटर्स ने अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं और काफ़ी शानदार नतीजे रहे हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के जानते हैं आयशर मोटर्स के सितंबर क्वार्टर के नतीजे। दोस्तों, आयशर मोटर्स ने सितंबर क्वार्टर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 57% की ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप दिखाई है। कंपनी का रेवेन्यू रहा है सितंबर क्वार्टर में 3,519 करोड़, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 2,249 करोड़ था। वहीं सेगमेंट वाइज सेल्स देखेंगे तो सितंबर क्वार्टर में मोटरसाइकिल सेल्स रही हैं 216,764 यूनिट्स, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 123,427 यूनिट थी। वहीं कमर्शियल व्हीकल्स की डोमेस्टिक सेल्स रही है सितंबर क्वार्टर में 15,882 यूनिट। वहीं एक्सपोर्ट रहे हैं 1,370 यूनिट। और एबिटा में हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। एबिटा यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में 75% की ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप देखने को मिल रही है। सितंबर क्वार्टर में एबिटा रहा है 821 करोड़। वहीं एबिटा मार्जिन 246 बेसिस पॉइंट की ग्रोथ आई है। एबिटा मार्जिन रहा है 23.55%। आयशर मोटर्स के प्रॉफिट की बात करें तो आयशर मोटर्स ने सितंबर क्वार्टर में 76% की ग्रोथ दिखाई है ईयर ऑन ईयर बेसिस। प्रॉफिट में सितंबर क्वार्टर में प्रॉफिट रहा है 656.32 करोड़, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 373.20 करोड़ था। वहीं हम EPS देखेंगे यानी अर्निंग पर शेयर सितंबर क्वार्टर में 24 रुपये रहा है, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 13.65 था। तो ये था आज का वीडियो आयशर मोटर्स के शानदार नतीजों का। आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है या सुझाव है तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप हमारे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन दबा सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल। थैंक यू। जय हिंद।